नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। सिडनी महासंग्राम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, किस टीम को टिकट मिलेगा फाइनल जाने का, वर्ल्ड कप जीतने का, यहां पर तय होगा। और हमने सोचा क्यों नहीं आज तक, पर आज दो महावीर वो सूरमा लेकर आए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले कई बार हराया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबाए हैं। मेरे साथ यहां पर सिडनी में सौरव गांगुली हैं, कप्तान रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराना सिखाया था दुनिया को। और स्टूडियो में दादा आपके सबसे बड़े साथी हरभजन सिंह, आपके सबसे बड़े हथियार हरभजन सिंह होंगे। तो इन दोनों से आज हमने जानना है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में घमंड भी आ गया है। मैच से पहले एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मैक्सवेल उतरते हैं एयरपोर्ट पर और कहते हैं कि भारत को याद होना चाहिए कि इस साल में वो एक भी मैच जीता नहीं। ये माइंड गेम्स दोबारा शुरू कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। मैं मैक्सवेल को सिर्फ यही चीज़ ही कहना चाहता हूँ कि शायद इस साल में भारत ने एक भी मैच नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा मैच होगा 26 तारीख को, और ये मैच जो जीतेगा बाकी सब कुछ लोग भूल जाएंगे, याद रखेंगे। सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया है और भारत वो क्षमता रखता है। चलिए, दादा ने कह दिया है कि भारत की जीत होगी 26 तारीख को, लेकिन कैसे होगी पहले वो जानते हैं, फिर दादा भी हमारे साथ रहेंगे, हरभजन सिंह भी हमारे साथ। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर इस वक्त शानदार फॉर्म में है। जाहिर है वर्ल्ड कप के सबसे कामयाब गेंदबाज मिचेल स्टार्क के अलावा जोश हेजलवुड की लय बिगाड़ने के लिए उनके ये आंकड़े काफी हैं। वैसे भी 7 मैच में 70 विकेट झटकने वाले भारतीय गेंदबाज सिडनी में सुपर संग्राम मुकाबले में कंगारुओं का काम तमाम करने में सक्षम है। नहीं, चैलेंज तो क्रिकेट ही है, क्योंकि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वापस आके खेलना चाहते हैं, और जो नेक्स्ट गेम है वो सिडनी में है, सो उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे। एंड होपफुली यू नो, अगर हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और ऊपर लेके जा सके तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक और यहाँ पे हम फाइनल्स खेल सकते हैं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि इसी टीम को पिछले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में धूल चटा दी थी, इसीलिए कांटे के इस मुकाबले में कांटा कंगारुओं को लगना तय। तो लीग मुकाबलों में पहले न्यूजीलैंड से हार मिली, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान अंत तक लेकर गया। ऑस्ट्रेलिया में कमी दिख रही है दादा, ऑस्ट्रेलिया में कमी दिख रही है। आपने कहा ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये सच है? जरूर, ये तो वो रिकी पॉन्टिंग का स्टीव वॉ का ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन देखिए अब ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो इस ऑस्ट्रेलियन टीम में दम है, इस ऑस्ट्रेलियन टीम में वो फायर पावर है, किसी को भी हरा सकता है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सवेल ने आज कहा है, जो वार्नर ने मेरे दोस्त को कहा है कि हम चाहते हैं कि और भारत के सामने खेले, ये इतना आसान नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि अब वो सिडनी में आएंगे, भारत को हराएंगे और वर्ल्ड कप फाइनल चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये वो गलत सोच में है। और अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस से वो ग्राउंड में उतरते हैं तो भारत उनको बहुत बुरी तरह से सरप्राइज करेगा। इतिहास भी गवाह है कि जब जब ऑस्ट्रेलिया को घमंड हुआ है उनका घमंड टूटा है। दादा, ऐसी चीज़ें बताएं, आपने जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी देखा और भारत को खेलते देखा है, 3-4-5 ऐसी चीज़ें बताएं जो भारत अगर उस पर कायम रहे तो ये मैच जीत सकते। भारत की इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी है, जो इंटेंसिटी हम इतने समय तक देखते आए हैं। भारत को बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा सिडनी, क्योंकि विकेटें अच्छे हैं और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बड़ा है, तो भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये 300 रन का मैच होगा, 275 से कम होगा तो इस ग्राउंड में रोकना मुश्किल है, क्योंकि ये तेज आउटफील्ड है, इसमें बॉल लंबा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया जीतते हैं, तो ये सब चीज़ भारत को दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ विक्रांत, जो चारों टीमों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पे क्वालिफाई किए हैं, ये चार टीमें एक दूसरे को हराने की क्षमता रखते हैं। हरभजन, आपने कप्तान की तो सुन ली, अब हरभजन खिलाड़ी वो जिसने ऑस्ट्रेलिया को इतनी बार हराया इस कप्तान के साथ, उनका क्या मानना है आप बताओ भज्जू, कोई ऐसी चार सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी मेरे ख्याल से, जो बॉडी लैंग्वेज ऑन द फील्ड शुड बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आप खेलते हो तो आप अगर थोड़ा सा भी नीचे दिखते हो बॉडी लैंग्वेज में तो फिर वो चढ़ जाते हैं आपके ऊपर। तो बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने खेली है, और उनको प्रेजेंस अपनी फील करवानी चाहिए ग्राउंड पे कि यस हम यहाँ पे खेलने आए हैं, टक्कर देने आए हैं, जीतने आए हैं हम आपसे। हरभजन कहते हैं कि अटैक 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 अटैक, वो कहते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना है, और दादा की कप्तानी में हमने बहुत बात किया है तो इनके नाक में घुस जाओ, आप इनमें घुस जाओ,
बिल्कुल, इनसे लड़के खेलना पड़ेगा और भारतीय टीम को एक दो बंदे चुनने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि विराट कोहली एक है और दूसरा रविंद्र जडेजा, ये दोनों को ऑस्ट्रेलिया के पीछे लगा दे सेमीफाइनल में। जैसे विराट कोहली ने दम से खेला उनके सामने टेस्ट मैच, ये सेमीफाइनल भी उनके सामने खेले, लड़के खेले, क्योंकि लड़ेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम पीछे हटेगा। अगर इस ऑस्ट्रेलियन टीम को आप ऊपर चढ़ने देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल भज्जू के साथ सहमत हूँ, फील्डिंग के टाइम लड़ाई करे, गेंदबाजी के टाइम लड़ाई करे, लेकिन जब बल्लेबाजी आए थोड़ा सा पीछे हटे और अपनी बल्लेबाजी पे फोकस करे। इस चीज़ को दिमाग में डालना पड़ेगा कि लड़ते लड़ते अपने बल्लेबाजी के समय भी लड़ना पड़े। विराट कोहली लड़ सकता है जो उन्होंने टेस्ट श्रृंखला में लड़ा है और लड़के भी 100 बनाए, बाकी थोड़ा पीछे रहे और दिल से, और जिसे कहते हैं ना एक साइलेंट, एक चुप सी कॉन्फिडेंस अंदर, एक चुप सा स्ट्रेंथ अंदर, जो बाहर दिखाया नहीं जाता, ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन अंदर से दम वाला क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलना है भारत को, वो क्रिकेट खेलना है। लेकिन दादा तो मैदान की बात कर रहे हैं, मैदान से बाहर आज मैक्सवेल ने क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए, फिर इनके घमंड की बात करते हैं। Now we haven't had a team meeting yet, but I'm sure it'll be pretty similar to the summer. We did pretty well during the summer against them. So I'm sure we'll just go in with similar plans and I'm sure we'll have a few tricks up our sleeve come game day. मैक्सवेल शायद ऑस्ट्रेलियन टीम दबाव में है, शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है, मेंटल डिसइंटीग्रेशन की। मैक्सवेल ने यह तो कह दिया कि भारत उनसे पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीता, मगर वो ये भूल गए कि ये भारत वो भारत नहीं और ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं। गेंद और बल्ले के साथ हर इस बात का जवाब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 26 तारीख को मिलेगा। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, सिडनी आज तक। मैक्सवेल, घमंड तो बहुत है लेकिन देखते हैं कि ये घमंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 4 साल पहले क्वार्टर फाइनल में भारत जीता था, हरभजन आप उस टीम में थे, ये क्या बोल रहे हैं मैक्सवेल? देखिए, ये मैक्सवेल की गलत फहमी है अगर वो टीम को हल्के में ले रहे हैं, हमारी टीम को, क्योंकि शायद उनको ये नहीं पता है कि इंडियन टीम जो है वो ज़्यादा बेटर टीम दिख रही है मुझे और बाकियों को भी जो क्रिकेट देख रहे हैं। तो मैक्सवेल में भी शायद ये कोई माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं या फिर वो ऐसा बोल के एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि दैट वी विल बीट यू गाइस और व्हाट्सो एवर। बट मैक्सवेल को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो टीम 2.5-3 महीने पहले वाली टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ये टोटली उससे डिफरेंट टीम है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग पॉजिटिव क्रिकेट, क्योंकि उस टाइम पे हम दबे दबे खेल रहे थे, अब बहुत चढ़ के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैक्सवेल को होपफुली ये जो इसका इस चीज़ का जवाब 26 तारीख को मिल जाएगा कि कौन किसको हराता है। हरभजन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तब ज़्यादा बोलता है जब उन्हें पता होता है कि अपने घर में कुछ कमजोरियाँ हैं। उनका 5वां गेंदबाज कमजोरी है, मिचेल जॉनसन कमजोरी है, बल्लेबाजी स्ट्रेंथ जरूर है लेकिन 2 बार लड़खड़ाई भी है। बिल्कुल, स्पिन गेंदबाज तो कमजोरी है लेकिन मैं भज्जू के साथ सहमत नहीं हूँ कि मिचेल जॉनसन कमजोरी है। मिचेल जॉनसन अच्छे गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, लेकिन मिचेल जॉनसन के सामने नहीं चले। मिचेल जॉनसन के सामने ये है ऑस्ट्रेलिया आपके और यही करते हैं वो शाम को। तो फिर जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस टीम में वीकनेसेस उतने नहीं है विक्रांत, इस टीम में बैलेंस अच्छा है। एक ऑफ स्पिन गेंदबाज, स्पिनर गेंदबाज जो वीकनेस है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लेकिन भारत की भी बात होगी, कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी है कि नहीं है, छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त हम सिडनी में हैं, दादा मेरे साथ हैं, हरभजन सिंह दिल्ली स्टूडियो में हैं, दोनों ऐसे लोग जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बार बार हराया। दादा, भारत की भी बात कर लें क्योंकि आपने विराट कोहली की बात की। विराट कोहली एक फैक्टर हर मैच से पहले होते हैं, मैच में हों ना हों वो अलग बात है, लेकिन विराट ने भी लंबे समय से रन नहीं बनाए। लंबे समय का मतलब है इस वर्ल्ड कप में उन्होंने एक पारी के बाद बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है, 30-40 बना के आउट हो रहे हैं। ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है वो? नहीं, ऐसा होता है, बहुत समय से रन बनाए, पूरी सीरीज में रन बनाए, लंबा सीरीज था, लेकिन बड़ा मैच प्लेयर है वो, बड़े मैच में अपने आप को निकल के लाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के 4 टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके गया। मैं विराट कोहली को हमेशा बैक करूंगा क्योंकि उसमें वो है, वो दम है जो लड़के खेलता है, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, और ऐसे प्लेयर हमेशा लोकप्रिय होंगे। कल वहाब रियाज की 4 ओवर की स्पेल सोच ले, ऐसा लगा था कि ये क्रिकेट है और ये क्रिकेट देखने को लोग आते हैं और विराट कोहली को देखने को लोग आएंगे, क्योंकि जब खेलते हैं भारत को जिता के लेके जाएंगे। मैं एक चीज़ कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर विराट कोहली चला तो 325 भी सेफ नहीं है, क्योंकि याद करें अब नागपुर, याद करें अब जयपुर, अपने 350 बनाए थे और हमने 5 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया था। तो अगर विराट कोहली खेलते हैं तो मैचेस 5 ओवर पहले ही खत्म हो जाएंगे। लीजिए, ये दादा का कॉन्फिडेंस है, अगर विराट कोहली चल गए। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में हैं, लेकिन दादा आज जो वेलिंगटन में मैच हुआ वो न्यूजीलैंड की ताकत फिर से दिखी, कम से कम अपने मैदान पर। ब्रेंडन मैकलम आउट हो गए लेकिन मार्टिन गप्टल ने 200 बना दिया,
200 बना दिया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मार्टिन गप्टिल जैसा बल्लेबाज 200 बना दे। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया को भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा उम्मीद ना करे। मार्टिन गप्टिल अगर 200 बनाता है तो भारत आपको सिडनी में भी हरा सकता है। मार्टिन गप्टिल पे आऊँगा कि शानदार पारी, मैंने पारी देखी। मैं आज दोपहर को सिडनी में आया तो थोड़ा सा थका हुआ था क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग हुई और मैचेस भी किए, तो जब रूम में पहुंचा तो मार्टिन गुप्ता 99 पे खेल रहा, तो मैंने उनका 100 देखा। 100 देख के तब 33 ओवर हो चुके थे कि मैंने कहा भाई 100 हो गया, न्यूजीलैंड 200 पे 2 है, ये जीत ही जाएंगे, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो मेरी नींद आ गई थी, तो मैंने आधा 45 मिनट सोया टीवी ऑन करके, तो जाग गया तो देखा मार्टिन गुप्तिल 199 पे खेल रहा है। तो मैं ऐसे उठा के देखा कि लगा कि नहीं यार, मैंने टीवी ऑफ किया था कि पॉज कर दिया था। इस टीवी में पॉज करने का भी कोई सिस्टम है जो सोते सोते शायद दब गया होगा। तो फिर चश्मा लगा के देखा कि नहीं यार, ये तो 199 पे खेल रहा है और न्यूजीलैंड 300 पहुंच चुका है। और शानदार पारी, क्या शॉट्स लगाए हैं, बाद में थोड़ा सा हाईलाइट भी देखा, सीधा खेला है। तो ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है आप कह सकते, लेकिन फिर भी बाहर मरना पड़ता है। और शायद वर्ल्ड कप में, बहुत लोगों ने वर्ल्ड कप में बड़े रन बनाए हैं। क्रिस गेल ने 215 किया जिम्बाब्वे के सामने। गैरी कस्टिन इस वर्ल्ड कप से पहले शायद सबसे ज़्यादा स्कोर था उनका 188, और मेरा 183 श्रीलंका के साथ, ये दोनों सबसे बड़े स्कोर थे। लेकिन मार्टिन गुप्तिल के ये जो 200 बड़े टीम के साथ हुआ है, बड़े टीम मतलब अच्छी टीम है, वेस्ट इंडीज़ को बड़ा टीम नहीं कहूँगा, अच्छा टीम कहूँगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल पे हुआ है, डू और डाई मैच, तो मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड कप की इतिहास में सबसे बढ़िया पारी है। अभी वैसे 3 मैच और हैं, 2 सेमीफाइनल फाइनल, हो सकता है भारत के किसी बल्लेबाज के बल्ले से इससे भी बड़ी पारी निकले। इस उम्मीद के साथ दादा इजाजत ले लें, दर्शकों से हरभजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।